सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार का दावा था हर गांव हर खेत तक मिट्टी परीक्षण जांच प्रयोगशाला के लिए एम्बुलेंस जाएगी। एम्बुलेंस तो थोड़ी सालों पहले करोड़ों के खर्च से बने लैब तक बेकार पड़े हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि उसने लगभग 200% सॉयल हेल्थ कार्ड बना दिए। जरा सोचिए, आपका एटीएम क्या किसी काम का होगा जब बैंक में पैसे ही ना हो। तो सरकारी दावों और किसानों से किए गए वायदों के बीच देखिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र में हम आए हैं यहाँ की प्रयोगशाला का रियलिटी चेक करने के लिए। प्रयोगशाला में अगर हम देखें तो इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ नजर हमें नहीं आ रहे हैं। यहाँ ना सॉइल साइंटिस्ट हैं। जो खेतों की मिट्टी है उसकी जांच की जाती है? आप सैंपल नहीं की किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति न होने की वजह से ये जो सामान है, जो मशीने हैं, वो सड़ रही हैं। सरकार की मंशा पे पूरा पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों से आई तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि कैसे राज्य के 313 विकास खंडों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर बनाए गए 263 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं धूल खा रही हैं। 2015 में केंद्र सरकार ने मिट्टी की सेहत और उसमें पोषक तत्वों की जांच के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए। मध्य प्रदेश में भी मिट्टी के परीक्षण के लिए 250 से अधिक लैब बने, लेकिन अब देखिए उनकी हालत क्या है। अशोकनगर में मिट्टी परीक्षण के लिए आई मशीनें 2020 से ब्लॉक मुख्यालय में कृषि विभाग के दफ्तर में जस की तस पेटी पैक है, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं। अशोकनगर जिले में एक लैब चालू है, लेकिन मुंगावली, चंदेरी, ईशागढ़ में सब मिट्टी में। सालों पहले बने लैब टूटने लगे हैं, ऐसे में किसान पूछ रहे हैं सॉयल हेल्थ कार्ड किस काम के। शिवपुरी जिले में एकमात्र लैब है, लेकिन स्टाफ की कमी से काम धीमा है। किसान कहते हैं पहले सैंपल नहीं लिया जाता, सैंपल ले भी ले तो रिपोर्ट नहीं मिलती। मिट्टी के लिए जरूरी है 18 से ज्यादा पोषक तत्व, लेकिन लैब में जांचे जाते हैं सिर्फ 8। प्रयोगशाला नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक ऑटोमेटिक छोटी सी इकाई है, लघु इकाई जिसको बोलते हैं, वो भी सिर्फ सॉइल के लिए है। ये जो आप बता रहे हैं, ये जो है इसके लिए, ये प्रयोगशाला बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। हाँ। वो प्रयोगशाला हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में अभी स्थापित नहीं है। कभी जांच रिपोर्ट आई? आपने जांच कराई मिट्टी की? जांच एक बार कराई, लेकर पहुंचे थे, कोई जांच नहीं आई। राम गोपाल जी, कभी मिट्टी का परीक्षण नहीं किया? क्यों? वे जाते ही नहीं है, दो बेर बोल गए थे और वे कह रहे आएंगे, वो आते ही नहीं है। और आप भी तो लेके जाते हो ना सैंपल, अपनी मिट्टी का सैंपल लेके जाते? कोई जांच का वाका उदाहरण नहीं दिया, नहीं दिया कुछ, रख ले मिट्टी की जांच भेज देंगे और कोई जवाब नहीं है। मिट्टी की जांच, जो खेतों की मिट्टी है उसकी जांच की जाती है? आप सैंपल नहीं की सैंपल लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? वो फेंक देते आज तक, मतलब एक बार ब्लॉक पर देखे आए थे सैंपल, तो वहां से कोई रसीद ही नहीं मिली। न रसीद मिली, न सैंपल का कोई रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट नहीं मिली। शिवपुरी जिले में 5 लाख से ज्यादा किसान हैं। मिट्टी जांचने के लिए एक कमरे की लैब जिसमें सैंपल भरे रखे हैं, लेकिन उन्हें जांचने नाम मात्र के लिए स्टाफ की नियुक्ति। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला मंडी में बनी थी, तो उनका संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है और उनकी हैंड ओवर कर दी गई है पुरानी मंडी में बनी हुई। यहाँ नहीं है, नई मंडी जो बनाई गई है उस मंडी, पुरानी मंडी में। पुरानी मंडी में कितने परीक्षण होते होंगे? अब ये तो जानकारी कृषि विभाग से मालूम है। खरगोन में 8 साल पहले 35 लाख रुपए की लागत से लैब बना, लेकिन न संसाधन है न स्टाफ। जर्जर हो रही बिल्डिंग की हालत देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ से मिट्टी को क्या इलाज मिलेगा। यहाँ पर प्रयोगशाला 2016 में निर्मित हुई थी, उसके बाद उसके उपकरण और स्टाफ प्रशिक्षित नहीं आने की वजह से मिट्टी परीक्षण नहीं हो पाया। केवल 16 से 18 तक मिनी लॉटरी के माध्यम से इस लॉटरी में जो है किसानों के सैंपल किए गए थे, परंतु कम सैंपल आने से जिले की जो लॉटरी है उसी में किसानों के सैंपल हम लोग जो है टेस्ट कराते हैं और परिणाम पत्र उनको पहुंचाते हैं। चक्रम भी ये बताएं कि आपकी कितनी खेती है? 2.5 एकड़। आप उसके अंदर फसल भी उगाते हैं? उगाते हैं ना। तो मिट्टी का परीक्षण करवाया? नहीं करवाया। बलवा के अंदर प्रयोगशाला है ये मालूम है आपको? नहीं मालूम, जानकारी नहीं दी किसी ने, बताया नहीं किसी ने बताया। 8 साल होगा प्रयोगशाला खुले, मगर किसानों को मालूम ही नहीं है कि प्रयोगशाला है यहाँ पर और हम इसके अंदर अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं।
छतरपुर जिले के 7 ब्लॉकों में मिट्टी परीक्षण के लैब बनकर तैयार हैं, बस पूरी तरह खुले नहीं हैं। वजह वही, टेक्नीशियन और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं। ये मशीन और सभी सामग्री प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि मैन पावर नहीं था और पहले से ही विभाग में मैन पावर की कमी थी, इस कारण से संचालन में समस्याएं उत्पन्न हुई। अब इस वर्ष हम प्रयास कर रहे हैं कि वो सभी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री का जिला सीहोर, यहाँ 1,20,00,000 की लागत से मिट्टी प्रयोगक्षण प्रयोगशाला बनी, बस किसानों की किसी काम की नहीं। कई ब्लॉकों में ताला लगा है, जो खुला है वो है जिला मुख्यालय का लैब। इछावर, आष्टा, भैरुंदा और बुधनी के मंडी प्रांगण में तो ये लैब शोपीस है। वजह वही, स्टाफ नहीं। हर प्रयोगशाला में कम से कम 10 लोगों का स्टाफ जरूरी है, लेकिन यहाँ लैब टेक्नीशियन तक नहीं। स्टाफ की कमी भी है, तो हमारा जो विकासखंड स्तर पर जो और भी टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन मिनी लैब के माध्यम से हम जो वहाँ पर उपलब्ध स्टाफ है फील्ड का, उससे बाकी का एनालिसिस करवा लेते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक ने एक केवल जो केमिकल का स्पेशलाइजेशन वाला व्यक्ति होता है वो रेगुलर पोस्ट हमारी वैकेंट है जी। तो हमने यहाँ पर कृत या MSCG जो स्टूडेंट है, ऐसे लोगों को हम अभी संविदा पर काम लेते हैं उनसे और वो पूरा एनालिसिस करते हैं। उमरिया में 1,50,000 से अधिक किसान परिवार हैं, करीब 1,00,000 खरीफ का और 60,000 रबी की फसलों का रकबा है। मिट्टी परीक्षण के लिए उमरिया पाली और मानपुर में लैब बने, उमरिया में चालू है, दूसरी बंद। शहडोल जिला मुख्यालय में लैब है, जरूरी सामान भी, बस 7 लोगों का स्टाफ स्वीकृत है, हैं सिर्फ 2, एक मृदा प्रभारी और एक लैब टेक्नीशियन। साल भर में 12,000 सैंपल जांचने का लक्ष्य है, हुए हैं सिर्फ 1,50,000। एक दिन में हम लगभग 50 नमूने सैंपल कर पाते हैं, पूरे दिन भर में, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बज जाता है, 7 बज जाता है। अभी हमारी लैब में लगभग 5,500 के ऊपर नमूने आ चुके हैं, जिसमें 1,516 नमूने हमने टेस्ट कर दिए हैं, उनकी रिपोर्ट भी हमने किसानों को जारी कर दिया है। स्टाफ तो यहाँ तो मात्र 2 लोग हैं हम लोग, और यहाँ कम से कम 6 से 7 लोगों की आवश्यकता है। टीकमगढ़ में 2,00,000 किसानों के खेतों की मिट्टी जांचने हर ब्लॉक में लैब बना, लेकिन किसान कहते हैं एक तो स्टाफ कम है, जो है वो वक्त पर बैठते नहीं। क्या परीक्षण करवाते होता है कभी? नहीं होता है, कभी 3-4 बार कोई ताला लगा रहता है। तो यहाँ पर लैब है क्या टीकमगढ़ में? नहीं है, कोई नहीं है। सुना है के लिए 2-3 बार गए तो ताला लगा रहता है, मतलब लैब में जाँच नहीं होती है? कुछ नहीं होता। तो मतलब आप ही की नहीं होती, किसी और सबकी नहीं होती? रात की नहीं होती है, 2-3 और मिले ऐसे हमारी होती, हम भी फ्रिया। मतलब लेकिन लैब खुला नहीं रहता? नहीं, नहीं। अब लैब का तो ऐसा है भाई साहब के अपन परीक्षण कराने जाओ मिट्टी का, तो वहाँ पे कोई मिलता नहीं है, लैब सारे बंद रहते हैं। तो फिर कैसी उन्नत फसलें ले पाते हैं आप लोग? तो अब लैब बंद ही रहते हैं, अपने यहाँ परीक्षण हो नहीं पाता है, इस वजह से अपन को बीज की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जब भी जाओ अपन 2-3 बार गए, चक्कर लगाया, कभी कोई मिलता ही नहीं है वहाँ पर। शोपुर जिला मुख्यालय में लैब है, जहाँ 1 लैब टेक्नीशियन लैब के साथ विभाग के प्रशासनिक काम को भी देखता है। जिले के विजयपुर और कराहल में लाखों की बिल्डिंग में ताला पड़ा है। करीब 5,00,000 की आबादी वाले जिले में सिर्फ जिला मुख्यालय में जांच हो रही है, वो भी सिर्फ कहने के लिए। मैहर जिले के 3 ब्लॉक मुख्यालय मैहर, अमरपाटन और रामनगर में मिट्टी परीक्षण लैब में ताला जड़ा है। खुला भी रहता तो क्या ही होता, न मशीन न स्टाफ। मिट्टी की बात यूं ही नहीं निकली। सरकार का दावा है कि राज्य में मिट्टी की सेहत जांचने 6,31,437 सॉयल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य था, उसने बना दिए 11,89,505, यानी 188.38% ज्यादा। हमें जमीनी हकीकत मालूम थी, इसलिए सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया। आपने इस बुकलेट में लिखा कि सॉयल हेल्थ कार्ड जो है 188% बन गए हैं मध्य प्रदेश में, मृदा परीक्षण के लिए जो सॉयल हेल्थ कार्ड बनते हैं वो 188% बन गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मंत्री हमारे साथ चलेगा, क्योंकि प्रदेश में अगर एक भी लैब काम कर रही होगी ठीक से तो फिर आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये 188% से कहीं से सही नहीं। एक बार दिखवा लेंगे, आप कहाँ बता रहे हैं, गलती कहाँ सारी है। वैसे केंद्र सरकार के आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में 2023-24 में 12,46,700 टेस्ट होने थे, 5,58,489 सैंपल इकट्ठा हुए, 2,60,484 टेस्ट पूरे हुए। पहले देश की मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी थी, 90 के दशक में पोटेशियम और सल्फर, अब हमारी मिट्टी में जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कमी है।
लेकिन शायद ही किसी किसान को पता लग पाता है आखिर उसकी मिट्टी में कमी है तो क्या। मिट्टी की एक इंच परत बनने में कई सौ साल लग जाते हैं। हमारा सारा भोजन मिट्टी से ही बनता है, लेकिन उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल और खेती के गलत तरीकों से हमारे भोजन की थाली प्रभावित हुई है। यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल से नाइट्रोजन साइकिल प्रभावित हुआ है। सरकार उर्वरकों पर लाखों करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए किसान को ये तक नहीं पता कि उसकी इस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। यानी इस लापरवाही से हमारा, आपका, किसान और देश सबका नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।